सेक्टर 1 बीएसएनएल चौक में प्यास से राहगीरों के लिए प्याऊ घर का संचालन सेक्टर 1 वार्ड 54 के पूर्व पार्षद रश्मि सिंह द्वारा किया जा रहा है। वहीं हर रविवार को विशेषकर फल व चने के साथ खिचड़ी का वितरण मानव सेवा का भाव लिए यहां पर किया जा रहा है। लगभग 5000 लोग यहां सूखे कंठ को गीला कर प्यास की तृष्णा मिटाते देखे जा रहे हैं। पेश है खास खबर लोहनगरी टाउनशिप भिलाई से। इस तपती गर्मी में जब पारा 44 और 45 को पार कर रहा है और लोग बाग अपने घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं, ऐसे में तपती गर्मी में आने जाने वाले राहगीरों को मानव सेवा का भाव लिए प्याऊ घर संचालित कर स्वयं सेवा दी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 1 वार्ड 54 की पूर्व पार्षद रश्मि सिंह की। रश्मि सिंह के नेतृत्व में सेक्टर 1 बीएसएनएल चौक में प्याऊ घर संचालन किया जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाले लोग, जिनमें बच्चे बूढ़े युवा सभी शामिल है, अपनी पानी की तृष्णा शांत करते देखे जा रहे हैं। वहीं हम बता दें कि प्याऊ घर में रविवार का दिन खास होता है, क्योंकि रविवार को पूर्व पार्षद रश्मि सिंह यहाँ स्वयं उपस्थित होकर राहगीरों को पानी, शरबत, चने के साथ फल, जिसमें तरबूज, केला, संतरा आदि है, ये वितरित करती दिखाई पड़ती है। न्यूज टीम से चर्चा के दौरान वे बताती है कि बीते 2015 से प्याऊ घर का संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है, साथ ही इसे वो मानव सेवा का उद्देश्य बताती है। रविवार आप यहाँ पर शीतल पेय पदार्थ और फ्रूट का वितरण करते हैं? हाँ, ये हम लोग 2015 से प्रारंभ किए हैं, जो आज तक करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना काल की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कार्यक्रम हम लोग फिर से शुरुआत कर दिए हैं। ये हम लोग हर संडे को बड़े रूप में करते हैं, जिसमें शरबत भी रहता है, खिचड़ी रहता है, फ्रूट का वितरण भी रहता है। इसमें कम से कम 2 से 2500 लोगों का लोग आते हैं और शरबत और ये फ्रूट्स खा के जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। और जो हमारी ये टीम है सेक्टर 1 वार्ड क्रमांक 44 की, ये बहुत ही अच्छी टीम है। इनका सहयोग हमेशा ही मिलते रहता है और हम सब मिलकर ये कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उद्देश्य क्या रहे? उद्देश्य समाज सेवा है, जिसमें 2 साल कोरोना काल चला, उस समय हम लोग इसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोरोना काल में तो लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। कोरोना काल में हम बहुत सारे लोगों का सहयोग तो किए हैं, आप लोगों को शायद पता भी होगा कि उस समय हम शायद निकल रहे थे, जो लोगों से मैं कभी रोड पे भी निकलने में डरते थे। तो ये गर्मी में ही विशेषकर आप लोग का अभियान रहता है या फिर सभी मौसम? नहीं, ये हमारा मार्च में चालू होता है और जून तक चलता है, क्योंकि इसमें भीषण गर्मी रहता है और लोगों को पानी पिलाना बोलते हैं पुण्य का काम है, और ये हमारा प्याऊ घर तो है ही, तो इस वजह से हम लोग ये चलाते आ रहे हैं। नहीं, मैं यही उद्देश्य देना चाहती हूँ कि प्याऊ घर को बंद करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है। लोग जब इस रास्ते से निकलते हैं तो कहीं कहीं पानी का बहुत मुश्किल होता है, कई लोग बहुत दूर से आते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हर जगह प्याऊ होना चाहिए, अगर कोई नहीं भी खोला तो तभी भी समय है, वो खोल सकता है। वार्ड के लोग जो पूर्व पार्षद के साथ सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही यहां पहुंच अपनी पानी की तृष्णा शांत करने वाले लोग इस प्रयास की सराहना जहां करते हैं, वहीं पूर्व पार्षद रश्मि सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा कर इस पुनीत कार्य के लिए आभार भी जताते हैं। ये जो सोशल वर्क हो रहा है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जो लू के कारण मर जाते हैं, वो भी हमारे एक मतलब सोच है कि उनको, जैसे हम लोग फ्रूट्स दे रहे हैं तो उसमें जो उतना जो विटामिन जो और जो ग्लूकोज का उनको मात्रा मिलता है बॉडी को, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हमने देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो फ्रूट्स दे रहे हैं तो इसमें क्या है, उनको एक ग्लूकोज भी मिल रहा है और ये कंटिन्यू प्याऊ घर चलता है। संडे को हम लोग स्पेशली यहाँ पे फ्रूट्स वितरण भी करते हैं, जूस वितरण करते हैं, तो इससे क्या और भी लोग जाने समझें और हर जगह ये होना चाहिए, खासकर गर्मी में होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि लू के कारण बहुत लोग पानी के कारण ही उनकी जो है जान चले जाती है। और जैसे कि हमारी जो रश्मि भाभी हैं, ये पिछले मतलब कोरोना के पहले से इसमें लगी हुई है और अभी तो बहुत ही मतलब हम लोग जिस तरह से करते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं संडे को। बाकी यहाँ आप डेली आएंगे, आपको साफ सुथरा पानी और भी मिनरल वाटर, हम लोग पैक्ड वाटर यहाँ बांटते हैं ठंडा। तो सप्ताह है जो हमारी पूर्व पार्षद रश्मि सिंह के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, हम और हमारे सहयोगियों के द्वारा यहाँ पे फल जैसे तरबूज हो गया और फ्रूट्स का वितरण होता है। यहाँ पे लगभग 5000 लोग यहाँ पे हर संडे को हम लोग करते हैं जो आयोजन, 5000 लोग यहाँ पे इसका लाभ उठाते हैं
और हम ऐसे ही चाहते हैं कि जो गर्मी इतनी बड़ी हुई है इस मौसम में ऐसे नेकी का काम हमारी पार्षद ने जो कदम उठाया है बहुत ही नेकी का काम है, तो हम इसको ऐसे ही आगे भी ऐसा जारी रखना चाहते हैं। हाँ, पिछले कई संडों से हम लोग यहाँ पे शरबत का वितरण कर रहे हैं, शरबत, तरबूज, केला वगैरह। गर्मी में सब जाते हैं यहाँ पे, मजदूर लोग, रागीर, गरीब, सब कुछ का फायदा हो जाता है। और ये हमारी पार्षद, पूर्व पार्षद रजनी सिंह के द्वारा किया जाता है और ये भी पूरा दिन भर यहीं खड़े रहती है हर संडे को, और एक अच्छा प्रयास है। लोग चाहते हैं कि अगले बार इनको भी सपोर्ट करें सब लोग। शरबत आपको ठंडा मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मेरे को खुशी लगा कि कम से कम बन रहा है, कम से कम शांति मिला कम से कम। हाँ, मैं दूध वाला हूँ, आते रहता हूँ इधर। हाँ, जाओगर तो बहुत जरूरी है। बहरहाल पूर्व पार्षद रश्मि सिंह ने वार्ड विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने के बाद अब मानव सेवा कर मानवता की मिसाल पेश करती दिखाई पड़ रही है, जो कि बेहद प्रशंसनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।